अकबर इलाहाबाद से अनुदेशकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अनुदेशकों को 70,000 रुपये प्रति माह मानदेय मामले में फैसला सुरक्षित। डबल बेंच में कई महीनों से लगातार डेट लग रही थी अनुदेशकों के मानदेय 17,000 को लेकर, और कल 8 सितंबर को मामला सुरक्षित रिजर्व कर लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। अनुदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। साथियों, यहाँ पर क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या कहा याची अनुदेशक लीडर्स ने अपने अपने इस बयान में। शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस हमारे चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ताकि आप हमारी हर खबर से अपडेट रहें। तो साथियों, बिना किसी रुकावट के चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमा मानदेय मामले में फैसला सुरक्षित। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मामले में आदेश सुनाने से पहले मामला सुरक्षित रख लिया है। 27,000 से ज़्यादा अनुदेशकों को 17,000 रुपये मामले में मानदेय देने के मामले में आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से अपील पर बहस पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ कर रही थी। मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट में तकरीबन 2 बजे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जुलाई 2017 में याचियों ने 8,470 रुपये मानदेय की संविदा की थी, इसलिए याचिकागण 17,000 रुपये मानदेय पाने के हकदार नहीं हैं। 17,000 मानदेय के एक वर्ष के लिए जारी हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, महाधिवक्ता क्या कह रहे हैं। महाधिवक्ता ने कहा कि अनुदेशकों की तैनाती एक वर्ष की संविदा पर होती है और कार्य संतोषजनक होने पर नवीनीकरण का नियम है। अनुदेशकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एन सिंह और अधिवक्ता दुर्गा तिवारी ने कोर्ट में पक्ष रखा। बताया कि एकल खंडपीठ की याचियों को 17,000 रुपये मानदेय का आदेश दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने 17,000 रुपये मानदेय देने के आदेश का पालन नहीं किया। इसके जवाब में राज्य सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से पूरी राशि नहीं दी गई, जबकि केंद्र सरकार ने बताया कि हमने पूरी राशि दी है। प्रदेश के लगभग 27,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपये मानदेय कर दिया था, जिसको प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया। इस समक्ष याची विवेक सिंह, आशुतोष शुक्ला और बलनाथ पांडे की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने अनुदेशकों को 2017 से 17,000 रुपये मानदेय 9% ब्याज के सहित देने का आदेश दिया था। सरकार ने सिंगल बेंच का आदेश नहीं माना। इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार डबल बेंच में गई है। अब मामले को रिजर्व कर लिया गया है। साथियों, आइए जानते हैं कल कोर्ट के बाद मामला सुरक्षित हो जाने के बाद क्या कहा याची भोलानाथ पांडे और विवेक सिंह जी ने। 2017 में हम लोगों का राज्य सरकार ने प्रपोजल भेजा था 17,000 रुपये का। केंद्र सरकार ने उसको पास कर दिया था, बजट भी जारी कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदली और हम लोग राजनीति के शिकार हो गए। 17,000 का प्रपोजल पास होने के बाद भी हमको 17,000 नहीं मिल रहा था और हम लोग हाईकोर्ट गए। एकल बेंच ने हम लोगों के पक्ष में आदेश दिया, 17,000 रुपये 2017 से अब तक देने का आदेश दिया और 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया, लेकिन सरकार दुर्भावनावश डबल बेंच में गई। डबल बेंच में पिछले कई महीनों से जद्दोजहद चल रहा था, पिछले महीने एक महीने से तो काफ़ी बहस हुई और कल से आज तक लगातार बहस चल रही थी। कल 1 घंटे, आज 2 घंटे की बहस में लगभग सारे पक्षों का जो है सुन लिया गया और एजी साहब आए हुए थे सरकार की तरफ से। हम लोगों की तरफ से माननीय सीनियर के तौर पे एचएन सिंह साहब थे, दुर्गा तिवारी जी थी। बहुत अच्छी बहस हुई। अंतिम में बहस के लास्ट में एजी चीफ जस्टिस का मूड देख करके ये लग रहा था कि बहस पूरी तरह से हम लोगों के पक्ष में है, फैसला पूरी तरह से हम लोगों के पक्ष में जाएगा। भोलानाथ पांडे, इलाहाबाद मुख्य। जैसा कि विदित है, हम अनुदेशकों का मामला आज से 5 वर्ष पूरे हमारा 2017-18 में राज्य सरकार ने एक प्रपोजल भेजा 17,000 को, भारत सरकार ने उसको अप्रूव्ड कर दिया, किंतु राज्य सरकार ने उस पैसे को हम लोगों को भुगतान नहीं किया। तो हम लोग विभिन्न याचिकाओं में गए, लखनऊ और इलाहाबाद दोनों हाई कोर्टों में, जिसमें 3 जुलाई 2019 को सिंगल बेंच का आर्डर आता है हम लोगों के पक्ष में कि इनका 17,000 का भुगतान किया जाए और वो भी 9% पूरे ब्याज के साथ दिया जाए, किंतु उस सिंगल जजमेंट के खिलाफ
राज्य सरकार स्पेशल अपील में चली गई लखनऊ में भी और इलाहाबाद में भी। उन विभिन्न स्पेशल अपील पर लगातार सुनवाई चल रही थी। अंत में सीजे साहब ने लखनऊ और इलाहाबाद की दोनों जो स्पेशल अपील की उनको कनेक्ट करते हुए अपने पास ले लिया। मामले की लगातार सुनवाई पिछले 2 महीने से चल रही थी, जिसमें कल 1 घंटे पुनः सुनवाई हुई लगातार। आज 11:30 बजे से हमारा मामला फिर सुना गया और 1:30 बजे तक यानी लंच टाइम में भी हमारे मामले को सीजे साहब ने सुना। हमारे पक्ष के अधिवक्ताओं ने, सरकार की तरफ से एजी साहब ने पूरी बहस किया है। हमारी लोगों की बहस को कंक्लूड करते हुए आज सीजे साहब ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। बहुप्रतीक्षित जो हमारा मामला था 17,000 में, उसमें आज संपूर्ण बहस पूरी हो गई है। अब ये फैसला आने की उम्मीद अधिकतम 90 दिन हो सकता है कोई फैसला रिजर्व, लेकिन उसके पहले भी ये फैसला आ सकता है। पक्ष विपक्ष की बहस, उम्मीद हम लोगों के पक्ष में, हमें पूरा विश्वास है कि फैसला आना चाहिए, क्योंकि सिंगल जजमेंट कहीं पर भी एरर नहीं दिखता है हमें और वो एज इट इज रहने की पूरी संभावना है। विवेक सिंह, हम लखनऊ हाई कोर्ट के मुख्य याचिका हैं।